हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम साउथ इंडियन स्टाइल मूंगफली की चटनी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करके आधा कप मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। अब हम इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से मूंगफलियों का कच्चापन भी निकल जाएगा और इसके छिलके हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। बस इस तरह से लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते रहेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुकी है, देखिए मूंगफली हमारी बीच में से फटने लगी है। बस इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और किसी प्लेट में निकाल के हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मूंगफली को इस तरह से हाथों से मसलते हुए इसका सारा छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने मूंगफली का सारा छिलका निकाल लिया है। अब एक चटनी जार में इन मूंगफलियों को डाल देंगे। इसके साथ हम 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। 2 टेबल स्पून फ्रेश कोकोनट डाल देंगे, इसका काला छिलका मैंने निकाल लिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। खटाई के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा इमली का डाला है। आप चाहे तो इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब। और आधा कप से कम मैंने पानी यूज़ किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो पीसते टाइम हम और पानी डाल देंगे। अब इसे पीस लेते हैं हम। देखिए मूंगफली की चटनी पीस के तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ मैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से सारी मूंगफली की चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो 1 चम्मच तेल गरम करके मैं यहाँ पे राई के दाने डाल रही हूँ। राई के तड़कने के बाद हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हम 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लो फ्लेम पे इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारा तड़का बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इस तड़के को हम इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से सारा तड़का मैं चटनी के ऊपर डाल दूंगी। मिला लेंगे तड़के को चटनी के साथ में। हमारी पीनट चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसे इडली, डोसा या वड़ा के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।